चैनल में स्वागत है। और आज मैं आई हूँ यहाँ शिवालय, जो सावन में शिवालय का बहुत बड़ा महत्व होता है और यहाँ बहुत अच्छी तरह से सजावट है और बहुत अच्छी चीज़ सामान मिल रहा है। लोगों ने बताया तो मैंने भी इंटरेस्ट जगाया कि एक बार चलो शिवालय आपको दिखाते, तो बने रहिए मेरे संग देखते हैं अंदर शिवालय। तो फ्रेंड, मैं यहाँ शिवालय के मेन गेट पर खड़ी हूँ। आप देखिए, ये मेन गेट है और यहाँ से सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं। और बहुत खूबसूरत मार्केट बिल्कुल सजा हुआ है क्योंकि सावन चल रहा है और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भी है। लोग हर तरह का सामान मिल रहा है। तो चलिए आपके संग मार्केट के अंदर क्या क्या दिखाते हैं। अच्छा लगेगा। बताइए, कब से आप शॉप करें अपनी? 3 साल है। तो भीड़ कब ज़्यादा होती है, सावन के समय होती है कि परमानेंट रहती है इतनी? वैसे परमानेंट रहती है, लेकिन सावन में ज़्यादा भीड़ रहती है। के सब लोग आते हैं, सबके त्योहार लगे हुए हैं ना, इसीलिए। चले, यहाँ की तो वास्तव में शिवालय की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। सभी लोग बताते हैं यहाँ की चूड़ी बहुत अच्छा आप रखते भी सामान। देखिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। चलो भैया, ठीक है, आप लोगों की राखी की दुकान? अच्छा, आप लोगों की कब से शॉप की है? आप बोल नहीं पाते? अरे बोल नहीं पाते, बोल लेते हैं भाई, बोलो यार। कब से आपकी शॉप है भैया? 10 दिन? जी 10 दिन, सालों हो गए होंगे शॉप को करे कर। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 दिन किस चीज़ के हुए हैं? अच्छा, तो अब स्टाम्प खूब बिक रही हैं राखियाँ। चलो, कितनी बढ़िया खूबसूरत राखी है, देखिए बहुत अच्छा लगे। देखिए जो अच्छा लग रहा है वो लेती हूँ। आज शिवालय को डाले दे रहा यूट्यूब में। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं। इतनी सुंदर थी, लग रहा था कि सारे की सारा बाजार ही खरीद लें। लेकिन इतनी चूड़ियों को मैं करूँगी क्या, मेरे पास पहले ही से बहुत थी। लेकिन मार्केट आई थी तो ऐसा हो नहीं सकता कंगन खरीदने के लिए, तो मैंने ज़रूर 1-2-4 कंगन भी खरीदे। सौ सौ रुपए का एक सेट है, पूरी डिब्बी पूरा जो सेट लगा है 100 रुपए का। और ग्रीन में वो भी 100 रुपए का, कोई भी ले लिया 100 रुपए का। अरे ये लेना है, ये लेना है, ये 4 हमको तो पीछा ले, 4 हमको आगे तो 4 वाला कंगन देना। एक साइज देख लें का भैया, लो आप इतने कब खरीदे? यहां शिवालय का वीडियो बनाने आए थे वो बनावा आराम से मेरी पास। ये स्टोन में खरीद चुके, ले लो तुम्हें, ये 120 से कम नहीं बेचा, 100 का लगेगा, जितना चाहिए ले जाओ। ये वाला ले लो, ये भी ले लो, 100 रुपए का मिल जाएगा। ये लो 100 रुपए, 100 रुपए के 6 ये सब 250 का डिब्बा है, जाके देखो थर्माकोल में बिक रहा है। हम लोगों ने अपने मन पसंद के कंगन भी ले लिए थे और इसके बाद कप भी खरीद लिए थे। अब जरूरत थी कुछ कपड़ों की जो मुझ लोगों को लेने भी थे, तो वो देख रहे थे कि किधर पे वो दुकान है जहाँ पे हम लोग कुछ 1-2 जोड़ी कपड़े भी ख़रीदने थे।
अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए तो लेने ही थे, नाती के बर्थडे भी आ रही थी तो सोच रहे थे यहीं से खरीद लेते, देखते हैं कलेक्शन अगर अच्छा मिलता तो लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और से देखेंगे। तो यही देखते हुए बाज़ार घूम घूम के आपको भी दिखा रहे हूँ, कपड़ों की दुकान ढूंढ रहे हैं। शाम का समय था और बादल ऊपर काफ़ी होता जा रहा था, शाम भी होती जा रही थी लेकिन तो दो चार बूंदें भी पड़ रही थी। ऐसे रिंज मौसम में ये लग रहा था घर भी जाना है, लेकिन शॉपिंग करने भी मज़ा आ रहा था क्योंकि एक तो धूप नहीं थी और ठंडा मौसम भी हो गया था और ज़्यादा दिन भी नहीं बचे थे त्यौहार को, तो ये लग रहा था भैया सामान खरीद लो क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। एक तो डेली मंदिर भी हो जाता, घर के भी काम हो जाते, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज समय निकाल के निकली हूँ और देख रही हूँ कि कोई भी कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ सामान खरीद लूँ। बादल बहुत तेज है, फटाफट कर लो शॉपिंग, घर भी चलना है क्योंकि अगर बरस गया ना तो दूरी इतनी है कि बन ही नहीं पाएगा। अच्छा ये है कपड़े की शॉप, इधर को घूम जाते हैं। देखिए शिवालय में आपको अच्छी अच्छी ड्रेसें भी मिलेंगी आपके मन की, और जो भी आप लेना चाहें शिवालय ज़रूर आइए, बहुत अच्छी रौनक रहती। सावन में तो इसकी चकाचौंध बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर जगह भीड़ है और सबसे ज़्यादा आपको लेडीजें मिलेंगी क्योंकि जितना भी शॉपिंग है लेडीज़ की सबसे ज़्यादा है। उनका मेकअप, उनकी चूड़ी, उनकी ज्वेलरी, चप्पलें, उनके कपड़े उन्हीं की है। सब लोग देखिए खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं, अच्छा लगता है। सावन में छोटी तो धीमी धीमी बूंदें गिर रही हैं और हम लोग रिमझिम बूंदों में शॉपिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ज़रूर शिवालय एक बार ज़रूर आइए, अगर आप आए हो तो अच्छी बात है, जो ना आए हो तो शॉपिंग करने शिवालय ज़रूर आइए, वो भी सावन के महीने में। देखा सब तो लगा शिवालय तो चूड़ियों के लिए फेमस होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री चूड़ी थी। चलो थोड़ा थोड़ा बोल दो, हम इसका वीडियो बना रहे हैं। कब बेस्ट कलेक्शन, यूनिक आइटम और बेस्ट प्राइस में। कब से कर रहे हैं भैया सो? कम से कम 10 इयर्स हो गए। अच्छा तो यहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा कब होती है? मंडे से सैटरडे तक। ठीक है भैया, आज हम निकले थे, हमने कि चलो यहाँ तक आए थे तो परेड तक आ रही है, चलो शिवालय का भी पकड़ लें वीडियो, उसका ही बना चूड़ियों के लिए बहुत ही मगर हमने भी लिए हैं कंगन दो चार जोड़ी हो गया ले लिए, चलो आगे भी देख। सावन का त्यौहार हो तो रक्षाबंधन तो होता ही है, और जब रक्षाबंधन होता तो एक भाई बहनों का त्यौहार हो जाता है। और जब भी राखी की दुकान देखते हैं तो मायके की तो याद आ जाती है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कितने हर्षोल्लास से मनाते थे, बड़े हुए तब भी मनाते रहे, फिर शादियां हो गई हम लोगों की, फिर भी आते जाते रहे जब भी मौका मिला। अब इतनी दूरियां हो गई हैं, दूरियां एक्चुअली इतनी बिजी हो गए हैं, बहनें भी बिजी हो गई, भाई भी बिजी हो गए, तो मिलना बहुत कम हो पाता है। लेकिन जब भी मिलते हैं खूब अच्छे से त्यौहार भी मनाते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है मिलने के लिए। लेकिन राखी देख के एक मन में फीलिंग ज़रूर आती है कि भाई के पास जाएं और राखी बांधें, लेकिन ये पॉसिबल कम हो पाता है। लेकिन जब भी जाते हैं तो खूब अच्छे से मनाते हैं। खुश रहो भैया, जहाँ भी रहो खुश रहो, बस हम लोगों की यही दुआ रहती है। ज़रूरत का सामान खरीद लिया था और भी देख रहे थे जो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन का ज़माना है, सभी चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि जाकर देखें और फिर अपने मन से शॉपिंग करें। तो आज मन बना लिया था कुछ ना कुछ लेने का, तो हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली, और भी देख रहे थे और भी जो चीज़ ज़रूरत की हो तो वो भी लेते जा रहे थे। आने क्या क्या करें, यही दो पैक कर, नहीं यही दो ठीक।
शॉपिंग हो गई थी और हम लोग घर की तरफ चल दिए थे, क्योंकि बादल था, कभी भी पानी बरस सकता था। और हम लोगों ने फटाफट घर निकलने का प्लान बनाया ये बड़े चौराहा पे। शिवालय जो है, आप जब भी आइए यहाँ खूब अच्छे से शॉपिंग कीजिए। और आप देखिए यहाँ पे बड़ा चौराहा के पास जेड स्क्वायर भी है और यहाँ पे परेड भी है। अब जब भी आइए मूड बना के सारी शॉपिंग यहाँ से कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।